हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक एंड आल्सो फॉर दिस मंथ। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कॉपर बंद हुआ है 9235 पे, लगभग 190 रुपए गेन के साथ 2.1%। अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो इस महीने की शुरुआत हमने की है लगभग 2.5% गेन के साथ, लगभग 210 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ कॉपर जो है तो 910 रुपए, लगभग 11% ऊपर। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये लगभग 7वां महीना है जिसमें कॉपर प्राइस, क्रूड प्राइजेस जो है तो वो पॉजिटिव बंद हुई है। तो ये एक यूनिक फिनोमेना है जो वॉर की वजह से ट्रिगर हो चुका है। और यहाँ मुझे लगता है कि हम जो है तो अभी सुपर बुलिश ट्रेंड में जा चुके हैं। और इसका जो टारगेट है, मुझे लगता है जो पिछले हाई थे वो सभी हाई जो है तो क्रूड ऑयल निकाल देगा। और हो सकता है कि हमें 10,000 प्लस के लेवल जो है तो एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म में आते हुए देखेंगे। यहाँ मोमेंटम स्ट्रांग है, ये कभी भी फिजल आउट भी हो सकता है। तो यहाँ जो इन्वेस्टर हैं उन्हें थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या एक ओवरनाइट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना होगा जिनके पास भी। और आपको नई पोजीशन यहाँ मेरे हिसाब से नहीं बनानी है। यहाँ ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हो मगर इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है तो शायद अभी नहीं बनानी चाहिए यहाँ। तो यहाँ अभी जिस तरह से ये मोमेंटम चले, मुझे लगता है कि फिर से हम 10,000 और उसके ऊपर के लेवल जो है तो इस मीडियम टू लॉन्गर टर्म में देख सकते हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि क्रूड ने जो है तो सभी टारगेट अचीव करने के बाद एक करेक्शन दिया और R2 के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद फिर से जो है तो ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हाई था वो उसको ब्रिज करने के बाद हम फिर से यहाँ करेक्शन आते हुए देखेंगे। तो हाई लगाया था हमने 10,000 के अराउंड, वो हाई मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल आने वाले मीडियम टू लॉन्गर टर्म में आपको तोड़ता हुआ दिखेगा। यहाँ नीचे की तरफ 8600 का सपोर्ट है, उसके ऊपर जो है तो ऑन वीकली बेसिस आपको लॉन्ग व्यू रखना है। आपका स्टॉप लॉस जो है तो ऑन वीकली बेसिस पे आपको अगर ट्रेड लेना है मीडियम टर्म के लिए तो 8600 के अराउंड खरीदना है। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10,000 का और स्टॉप लॉस जो है तो आपको 150 से 200 रुपये का रखना पड़ेगा। तो एक अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड है। अगर 8600 के अराउंड क्रूड आता है तो 200 रुपये का स्टॉप लॉस और 1400 रुपये का टारगेट मिलता है एज पर वीकली चार्ट। और यहाँ जो है तो जिस तरह से ये रैली बनी है उसी तरह से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आएंगे मगर करंटली उसके कोई आसार नहीं दिख रहे। मगर यहाँ आपको करेक्शन भी उसी तरह से होते हुए दिखेगा आगे चल के। अभी यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे क्रूड देखोगे तो यहाँ हमने पहले शुरू के 3 दिन में ही पिवट को टच करने के बाद अभी ऊपर का टारगेट अचीव कर लिया है। और यहाँ ऊपर जो टारगेट है अभी नेक्स्ट टारगेट है 9700 का और तो उसके बाद में जो है तो 10,300 का टारगेट मुझे क्रूड के लिए दिखता है इस सीरीज के लिए, मतलब मंथ ऑफ जून के लिए। तो जैसे हम यहाँ ब्रेकआउट देंगे 9300 के ऊपर जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है फ्राइडे के दिन, अभी उसके ऊपर जाता है तो 9700 और उसके बाद में 10,300 के टारगेट आपको क्रूड में आते हुए दिखेंगे। यहाँ नीचे की तरफ 9000 का सपोर्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। अगर 9000 के नीचे क्रूड आता है तो आपको जो है तो वेट एंड वॉच मोड में जाना है। सेफ बाय जो क्रूड रहेगा वो मेरे हिसाब से रहेगा 8286, तो 8300 के अराउंड जो है तो क्रूड बाय रहेगा सेफ। आप देख सकते हो कि ये 50 डेज का जो एवरेज है, यहाँ उसने सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी खासी रैली बनाई है, ये फिर से उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर उस लेवल पे आता है तो हमारी बाइंग की पोजीशन रहेगी और मुझे लगता है कि हम 10,000 के टारगेट जो है 10,300 के टारगेट इसी महीने में देखने को मिल सकते हैं। अभी जिनके पास पोजीशन है उन्हें 9,000 का स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है या फिर उसके थोड़ा सा नीचे जो है 50 पॉइंट नीचे आप एक स्टॉप लॉस रखिए। आपके जो टारगेट है वो रहेंगे 9700 और 10,300 का जो टारगेट है मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी जिन्हें फ्रेश पोजीशन बनानी है उन्हें 9000 के अराउंड खरीदना है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 8700 के नीचे, 300 रुपये का स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 9700। तो लगभग 700 रुपये का टारगेट है और 300 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट है जिन्हें फ्रेश खरीदारी करनी है उन्हें। और जिनके पास है उन्हें 9000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आपको पोजीशन होल्ड करनी है। आपका जो टारगेट रहेगा
9700 उसके ऊपर 10,300 के टारगेट भी आपको क्रूड में आते हुए दिखेंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।